अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आपको आलू बैंगन बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया और इसमें मैंने 3 अदद प्याज डाल दी। प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट प्याज का कलर चेंज होने तक पकाते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं प्याज का कलर तकरीबन चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ठीक है। आप लोगों ने टमाटरों को डाल देना है और इसको सॉफ्ट होने तक पकाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट मैं इसको सॉफ्ट होने तक पकाती हूँ। टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। खुशबू आना शुरू हो चुकी है अदरक लहसुन की। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे और मैं आपको बता देती हूँ, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और हसबे जायका नमक। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें और अच्छी तरह से भून जाएं। आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको भूनना है। ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाले हमारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून चुके हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन। बैंगन को मैंने ऐसे काट ली है और आलूओं को भी मैंने तकरीबन ऐसे ही काटा है और हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें मैं एक साथ इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने तमाम चीज़ें ऐसे डाल देनी है। अच्छी तरह से चम्मच को चला लेना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जब तक ऑयल ऊपर ना आए तब तक आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून लिया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसमें आप लोगों ने हसबे ज़रूरत पानी ऐड करना है। हसबे ज़रूरत आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है जिसमें आलू और बैंगन हमारे गल जाएं। तो इतना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। 10 मिनट के लिए कवर करके इसको पकाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से जो हम लोगों ने पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे आलू बैंगन तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आती है हरे धनिया से, आप लोगों ने हरा धनिया इसमें डाल देना है। और इसमें हम लोग डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, ठीक है। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फाइनल लुक आ चुकी है, आलू बैंगन हमारे एक नए अंदाज में तैयार हो चुके हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।